मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जहां मुरादाबाद के सुनियोजित विकास को लेकर काम किया जा रहा है, तो वहीं अवैध निर्माण पर भी रोक लगाई जा रही है। समय समय पर अभियान चलाकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास कर रही है। लगातार मीडिया की सुर्खियां बनी लोहिया एक्सपोर्ट फर्म और दीवान सन्स एक्सपोर्ट फर्म पर गागर नदी की जमीन कब्जा करने पर आरोप लगाया जा रहा था। इसको लेकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा तहसील प्रशासन की टीम और बाढ़ खंड विभाग की टीम के साथ संयुक्त रूप से जांच की जा रही है। मंगलवार को प्राधिकरण सचिव अंजु लता के नेतृत्व में प्राधिकरण के अधिकारियों ने एक बार फिर से गागर नदी की जमीन का भ्रमण किया और फैसले को सुरक्षित रखा। प्राधिकरण के आला अधिकारियों का कहना है कि लगातार जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण सचिव अंजुलता का कहना है कि प्रकरण काफी पुराना है, काफी समय से मंथन किया जा रहा है और अब पूरी पैमाइश की जा रही है। गागर नदी की जमीन को अगर किसी ने कब्जे में लिया है तो उसको मुक्त कराया जाएगा। सबसे पहले निष्पक्ष जांच जरूरी है और जो भी तथ्य आएंगे उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी।